हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को घोषणा की कि पानीपत में गोहाना चौराहे का नाम श्री राम चौक और रेलवे रोड चौराहे का नाम महर्षि वाल्मीकि चौक रखा जाएगा। यह घोषणा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूर्व संध्या पर की गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पानीपत में एक शोभा यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि आज पूरी दुनिया एक स्वर में भगवान राम के प्रति आस्था व्यक्त कर रही है। पिछले 10 वर्षों में सुशासन का चलन बढ़ा है और राम राज्य की अवधारणा अब पूरे देश में प्रचलित है। उन्होंने कहा, हम भगवान राम के आदर्शों पर चल रहे हैं। उन्होंने लोगों से प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऑनलाइन और टीवी पर देखने और इस दिन को दिवाली की तरह मनाने का आग्रह किया। खट्टर ने कहा कि सोमवार को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरे देश में दिवाली की तरह मनाया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश और दुनिया भर के लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि 500 वर्षों का लंबा इंतजार खत्म होगा।